हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चेतन ठाकुर। लास्ट लेक्चर वी हैव टू डिस्कस प्री ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि LANI के उस एलिमेंट की बात की। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट की। पी ब्लॉक एलिमेंट आपका स्टार्ट होता है 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप तक, यानी कि पी उसमें जो लास्ट वैलेंस ऑर्बिट होगी वो ऑर्बिट होगी पी। इसलिए ऐसे सारे एलिमेंट यहाँ से आप यहाँ पे आप जो भी एलिमेंट देखोगे उसकी डिफरेंट डिफरेंट एन की नंबर के हिसाब से जो लास्ट वैलेंस ऑर्बिटल होगी वो पी ऑर्बिटल होगी, इसलिए उसको पी ब्लॉक में अरेंज किया जाता है। तो उसकी स्टडी करने से पहले एक बार फिर से, जैसे कि आपके पास लिथियम होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 देन 2s1, थ्री एटॉमिक नंबर है इसलिए उसका इस तरह से होगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं हम सोडियम की, सोडियम Na का एटॉमिक नंबर है 11, तो 11 हम इस तरह से अरेंज करेंगे 1s 1s2 2s2, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हुए। उसके बाद 2p 6, सो 6 प्लस 2 प्लस 2 10 हो गए। एंड लास्ट जो आया उसका 3s1 आया, क्योंकि पहले ही हमने यहां पे देखा था ns1 एंड ns2। n की जगह पे क्या आ सकता है, सेकंड पीरियड्स लेंगे तो 2s1 आएगा, थर्ड पीरियड लेंगे तो 3s1 आएगा। जैसे कि ये फोर्थ पीरियड का ग्रुप है तो उसमें क्या आएगा, 4s1 लास्ट ऑर्बिटल होगी। उसी तरीके से 6 है तो ns यानी कि 6s1 स्ट्रोंजियम के लिए आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे ns2 आएगा, जैसे कि उसके बाद क्या आता है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के लिए सेम आएगा बट एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यानी कि 3s2 हो जाएगा, बाकी सारा सेम आएगा। तो ये जो सारे एलिमेंट है, यहाँ से जो सारे आपके एलिमेंट है उसमें क्या होगा, लास्ट ऑर्बिट ns2 होगी, यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट एम्प्टी होगी, सेल वैलेंस होगी वो ns1 होगी। तो इस तरह से हम पी ब्लॉक का देखेंगे। पी ब्लॉक के लिए क्या होता है वो समझेंगे, तो पी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के लिए फर्स्ट तो आपको एक ग्रुप पता होना चाहिए। तो ग्रुप हमें पता है 13 से लेके 18 ग्रुप में उसका अरेंजमेंट हो जाता है। तो एटॉमिक नंबर हम लेंगे 13 फर्स्ट का होगा, यानी कि फर्स्ट आप यहां पे देख रहे हो बोरन है तो वो बोरन से स्टार्ट होगा। बोरन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो आपको पता अब पता है बोरन का एटॉमिक नंबर कितना है, वो सो इस तरह से बेरिलियम, लिथियम और बेरिलियम देखा था, उसके बाद बोरन आता है, उसके बाद कार्बन, सो बोरन के लिए 5 होगा एटॉमिक नंबर 5, यानी कि फर्स्ट 1s2 2s2 2p1। बोरन की जो सीरीज है वो आपने देखी होगी, n=2 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे n=3 से स्टार्ट होगा, फिर n=4, इस तरह से कंटिन्यू जाता रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट ऑर्बिट किस तरह से होगी, n p1 n p2, उसके बाद क्या आता है कार्बन C6, सो 1s2 2s2 2p2। कार्बन भी सेम ही सेकंड में आता है इसलिए 2p2 आया। उसके नीचे दूसरे आएंगे उसके बारे में देखेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ, ये ग्रुप्स की बात हुई, 13 से लेके 18 ग्रुप्स की बात हुई, 13 14 15 16 17 18। जैसे कि हमने एस ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे टॉप टू बॉटम में रिमेंबर रखा था, उसी तरीके से यहां पे भी आपको 13 to 18 एलिमेंट आपको रिमेंबर रखने पड़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो इजीली आप रिमेंबर रख पाओगे, इजी है वो। स्टार्ट करते हैं 13 ग्रुप से। स्टार्ट कहां से होगा, सेकंड पीरियड से होगा, क्योंकि फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन के लिए रखा है हमने, नेक्स्ट लास्ट में वहां पे हीलियम आएगा। 5 n=6 n=7,
सो पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि उसकी जो लास्ट वैलेंस जो ऑर्बिटल है वो क्या कहलाएगी, पी होगी। वो एन के हिसाब से पी आपको मिल सकती है, जैसे कि यहाँ पे टू पी वन मिला है, क्योंकि वो कौन सा पीरियड है, यहाँ पे सेकंड पीरियड। अगर आप सिक्स पीरियड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिक्स पी वन होगा, सिक्स पी टू होगा, इस तरह से कंटिन्यू होता रहेगा। तो थर्टीन ग्रुप्स की बात करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं एन एस टू कम्प्लीटली फिल हो मिलेगा आपको, और उसके बाद एन पी वन यानी कि पी ऑर्बिटल है उसमें ओनली वन इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा ये थर्टीन ग्रुप में। तो थर्टीन ग्रुप में आपका जो फर्स्ट आता है वो है बेरियम, सॉरी बोरन, उसके नीचे थर्ड में आता है एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है गैलियम, देन इंडियम इट मींस आई एन, टी एल थेलियम, टी एल थेलियम, और सेवन है वो सेवन आपका एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है 113 से, 113 से, यानी कि जो लास्ट में लास्टली इन्वेंशन हुए उसकी बात करें, जैसे कि 2016 एंड आफ्टर 2016 एंड एनसीईआरटी बुक्स में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो 13 से आपको ये पर्टिकुलर रिमेम्बर रखना है। सो उसका निहोनियम नेम है, प्रोनाउंस होगा उसका निहोनियम, और उसका जो सिंबल है निहोनियम से एन एच निहोनियम 113, 13 का लास्ट। सो फर्स्ट में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इस तरह से अरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट, अब कैसे आपको रिमेंबर रखना है, तो बी से आपको लेना है बेगन, बेंगन, आलू, जी ए को गाजर्स, उसके बाद इन को इन ही रहने देना है, इन थाली, बैंगन, आलू, गाजर, इन थाली, इस तरह से आपको एलिमेंट रखना है। बी ए एल जी ए आई एन टी एल एन एच, एन एच के लिए आपको पर्टिकुलर उसका प्रोनाउंस ही करना होगा निहोनियम, वो रिमेंबर रखना है 113 से। तो उसका होगा बैंगन, आलू, गाजर, इन थाली, बी ए एल जी ए इन थी टी एल एन एच, इस तरह से होगा। कॉन्फिग्रेशन हमने पढ़ा है एन एस टू एन पी वन। नेक्स्ट बात करते हैं हम 14 ग्रुप की, तब आपको पता है उसमें NS2 आएगा, NP2 एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, क्योंकि 13 से हम जा रहे हैं 14 ग्रुप में, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो NP2 आएगा। NS2 की क्या बात है, जैसे कि हम ये फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं, तो अब गैलियम की जो लास्ट ऑर्बिट होगी वो किस तरह से होगी, तो आपको यहां से डायरेक्ट पता चल जाएगा 4S2 एंड N की जगह पे यहां पर 4 लिखना है 4P1। उसी तरीके से इंडियम का देखना है आपको, तो 5S2 5P1 वो इंडियम से, इसलिए यहां पे लिखा है NS2 NP1। सो 2 में बोरॉन के बाद कार्बन, देन सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये गैलेनियम और जर्मेनियम उसकी बात हमने मेंडेलिफ के की थी, मेंडेलिफ ने ऐसे ही प्रिडिक्ट किया था और सही प्रिडिक्ट किया था कि दोनों की अभी इन्वेंस नहीं हुए, बाद में इन्वेंस है, तो वो दोनों हमें नॉन एलिमेंट है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद आता है टीन, उसको हम SN से इंडिकेट करेंगे, उसका सिंबल भी में रखना है, उसका प्रोनाउंस और उससे डिफरेंट है। उसके बाद PB, उसका भी डिफरेंट है, लेड, एंड लास्ट जो एलिमेंट है आपका वो आता है F एंड I, सॉरी F एंड L, तो उसका प्रोनाउंस होगा फ्लेवोयम, फ्लेवोयम एफ एल। अब उसका आपको करना है तो सी सी और सी आई से आपको रिमेंबर रखना है काशी, जी ई से जर्मनी, और इतनी ठंड होती है कि दोनों क्या हो जाते हैं, सुन हो जाते हैं, सुन पड़ गए, तो ये आपको रिमेंबर रखना है। सी एस आई काशी, जी ई से जर्मनी, विंटर होगा, सन ज़्यादा होगी ऐसा एज्यूम करना है, और काफ़ी सुन पड़ जाते हैं, यानी सुन पड़ जाते हैं, तो इसलिए सुन मीन्स एस एन टीन पी बी सो लीड एंड एफ एल, एफ एल के लिए फिर से आपको नेम रिमेंबर रखना होगा फ्लेवोयम। तो ये बात हुई आपकी 14 की। नेक्स्ट बात करते हैं 15 ग्रुप, सो एन एस टू एन पी थ्री एक इलेक्ट्रॉन
बढ़ जाएगा उसमें, एक इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ जाएगा। तो ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, उसके बाद SV, ये आपको रिमेम्बर रखना है एंटीमनी। जैसे यहाँ पे आपने टीन और लीड रिमेम्बर रखा, उसकी तरह से SB यानी कि एंटीमनी, बिस्मथ एंड MC। MC का नेम होगा मॉस्कोनियम, मॉस्कोनियम ये आपको रिमेम्बर रखना है। अब N के लिए आपको रिमेम्बर रखना है नाना, P के लिए फाटेकर, A के लिए स्वर्या, SB के लिए आपको रिमेम्बर रखना है सब, B के लिए बिंदास, इन मॉस्को, इन मॉस्को। तो ये आपको रिमेम्बर रखना है N के लिए नाना, B के लिए पाटेकर, S के लिए ऐश्वर्या, सब नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास इन मॉस्को, इन मॉस्को। तो यहाँ से नाना से N आ जाएगा, पाटेकर से P, ऐश्वर्या से AS, सब से SB, बिंदास से BI एंड मॉस्को से मॉस्कोनियम MC। तो ये आपको शॉर्ट में रिमेम्बर रखना है NPASSBBIMC। वो आपका 15 ग्रुप्स हो जाएगा, उसमें NH2 आएगा और NP3 आएगा। ये आपकी ऑर्बिट कंप्लीट हो गई 3। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 6 ऑर्बिट इज हाउ मेनी, 6। सो 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ग्रुप आता है आपका 16 ग्रुप्स। सो 16 ग्रुप्स के लिए सेम NH2 NP3 के बाद NP4 और N की वैल्यू सेम N=2, 3। वो क्या इंडिकेट करता है आपका, पीयर्स इंडिकेट करता है N=C, N=7। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम SE, टेल्यूरियम TE, पोलोनियम PO एंड लास्ट में LV यानी कि लेवोनियम। सो उसके लिए शॉर्ट की आपको ओ सान से टीपो और लास्ट के लिए आपको रिमेम्बर रखना है लेवोनियम। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी उसके लिए, ओ सान से टीपो, ओ सान से टीपो, ओ सान से टीपो, ओ सान से एस से एस ई टीपो TEPO और लास्ट में लिवेनियम। तो लास्ट के लिए आपको रिमेम्बर रखना होगा वो 1113 होगा, तो उसके लिए 1114 होगा, वो बाद में इन्वेंशन हुए 1115, 1116। ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। लास्ट ऑर्बिट में क्या होगा, NH2। नेक्स्ट 17 ग्रुप, 17 और 18 के लिए आपको कुछ रिमेम्बर रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप इजीली क्योंकि वो नोन हो उसके साथ NH2 NP5 NH2 NP6। 17 ऑक्सीजन के बाद क्या आता है यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और दो आपको रिमेम्बर रखने हैं, एस्टेंडिंग AT एंड टेनेसाइन TS, उसका एटॉमिक नंबर होगा 1117 टेनेसाइन। और उसी तरीके से यहां पे हीलियम कहां पे आएगा, N=1 पे आएगा। हीलियम के बाद नियॉन, सो हीलियम आपका आएगा फर्स्ट में, सेकंड में आएगा आपका नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, सैंडेनियम एंड लास्ट में OG 118। OG का नेम होगा ओगेंसियम, ये उसका OG का सिंबल है उसका, ये आपको दोनों रिमेम्बर रखने हैं। उसका NH2 होगा NP6 NP5। तो ये आपका प्लीबॉक हुआ। अब उसकी बात करते हैं, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो जो आपको सीरीज दिखाई देगी, यानी कि ये जो N15 ग्रुप है आपका, 15 ग्रुप है और 17 ग्रुप है, ये पॉइजनियस
एलिमेंट है, यानी कि पॉइजनियस फॉर्म में वो एलिमेंट है, उसको हम बोल सकते हैं। और ये जो अनदर नेम उसका है वो हेलोजन फॉर्म भी बोल सकते हैं, यानी कि सॉल्ट फॉर्मेनिंग। हेलोजन ग्रुप भी उसको बोल सकते हैं, हेलोजन मीन्स सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप्स, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट इज कॉल्ड हेलोजन। सो हेलोजन ग्रुप का सॉल्ट फॉर्मिंग इट मीन्स हेलोजन। ये N15 इज अ पॉइजनियस गैस एलिमेंट, और ये जो एलिमेंट है वो पॉइजनियस है, पॉइजन इफेक्ट उसकी ज़्यादा है, तो इस एलिमेंट। तो ये आपका हुआ पी ब्लॉक। और इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, यानी कि आप क्लोरीन की बात करते हो तो उसकी जो लास्ट ऑर्बिट होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 7 रहेंगे, यानी कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। सो इजीली वो बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट में जाएंगे, यानी कि ये लेफ्ट 13 से लेके इस तरह से 13 से लेके जैसे ही आप 18 तक जाओगे, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड जाओगे, तो वहां से उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो कैसी होगी, इंक्रीज। सो उसकी रिएक्टिविटी होगी वो आपको इंक्रीज होती हुई दिखेगी। तो ये आपका हुआ पी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट जो एलिमेंट की बात है वो डी ब्लॉक एलिमेंट की बात है, वो समझते हैं। सो इन लेक्चर वी हैव टू स्टडी अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट। सो नेक्स्ट स्टार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर डी ब्लॉक। थैंक यू फ्रेंड्स।